सीतारम नमो सिद्धारम नमो आर्यम नमो वज्रायम नमो लोये शवसाहुलम शुद्धात्मान मणिकांतम सात्मस्थम मंगलम वंदे संदृष्टिशुद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्भूत कल्यात्मने शालोकानाम कलोकानाम युद्धूपया दर्पणाय श्री ओम नमः। उत्तम मार्ग उत्तम शब्द का अर्थ बताया था आपको, सम्यक दर्शन सहित स्वाश्रय पूर्वक उत्तम माधव धर्म में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उत्तम शब्द में आ गए और माधव चार तुम्हारा उत्तम माधव मतलब सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान सहित कोमलता पढ़ना। माधव मृदुता से बना, मृदुता कोमलता विपरीत मन में कठोरता, अभिमानी के परिणाम कठोर हो जाते, दया समस्त गुणों का नाश होने लगता है और मार्दव मने कठोरता कोमलता, कोमलता एक पात्रता है, आत्मा का स्वाभाविक भाव है। उत्तम शब्द का एक और भी अर्थ बताया था पहले, ध्यान हो तो उत्तम सुख का कहना, उत्तम पुरुषों के द्वारा धारण किया गया भाव, उत्तम पुरुषों का लक्षण है ये। जितने उत्तम पुरुष होंगे वे विनयवान होंगे, क्षमावान होंगे, विनयवान होंगे, ये लक्षण है उनका। जितनी मिश्री होगी कहीं भी हो, मीठी होगी, नमक खड़ा होगा, स्वभाव ऐसे जितने उत्तम पुरुष होंगे वे सब विनयवान होंगे। विनय की व्यवहारिक दृष्टि से चर्चा करते हुए कहा, देखो जो कोमल पत्थर होता है उसमें चाय जैसी चित्रकारी अंकित हो जाती है। कोमल पत्थर में चाय जैसी जैसी चाहते हैं लोग शिल्पकार मूर्तिकार, ऐसी चित्रकारी उसमें अंकित हो जाती है। कठोर पत्थर में चलना चाहे तो नहीं होती, ऐसे कोमल परिणामी जीव को गुरुजन जो शिक्षा देना चाहें वह शिक्षा दी जा सकती है और कठोर परिणामी कुतर्की जीव को कुछ समझाया नहीं जा सकता। लौकिक में भी समझने के लिए विनय चाहिए तो ये परमार्थ समझने के लिए विनय चाहिए। कोमल सुधा अनु,
कोमल सुधा अनुज। ऊपर क्या है? मान महाविष्णु, क्रोध महाअग्नि है और कमान महाविष है। मान महाविष रूप है और कोमलता का परिणाम, विनय का परिणाम अमृत रूप है। विनयवान अमृतत्व की ओर बढ़ता है, अभिमानी संसार में डूबता है। दूसरे शास्त्रों में एक अड़ियल घोड़े का दर्शन दिया। अड़ियल घोड़े वाले रथ को चलाने में सारथी को उत्साह नहीं होता, वो अड़ जाता जगह जगह। ऐसे ही अभिमानी को शिक्षा देने में गुरुजनों को उत्साह नहीं, कुछ कहने का भाव नहीं आता, क्या कहें। ठीक है, आपने एक वाक्य का प्रयोग सुना होगा, भैया उसको कह देना, वो मानेगा तो है नहीं। मुझे एक धारणा सी बन जाती है, वो मानेगा है नहीं, कहने से क्या फायदा। विनयवान पुरुष को, कोमल परिणामी जीव को बहुत सुंदर शब्द है, बाकी कितना सुंदर लिखा है। साधु पुरुष भी साधु माने हैं, साधु पुरुष भी साधु माने हैं। अभिमानी की नाना प्रकार से निंदा करें, अभिमानी से बचने की कोशिश करेगा हर जी। अभिमान केवल अपने लिए ही दुखदायी नहीं है, अभिमान अपने लिए दुख का कारण है और दूसरों के लिए दुख का निमित्त है। अभिमानी पुत्र और शिष्य आदि तो गुरुजनों को निरंतर संताप ही देते रहते हैं। एक अवज्ञा नाम का बड़ा संताप है, आज्ञा नहीं मानता, और कोई तकलीफ नहीं है, बस भगवान जाने। और दुखी भी है, मानेगा नहीं तो दुखी तो होगा ही, तब और ज्यादा संताप होता है। आपका लड़का आपकी नहीं माने और हैरान हो, मानता है नहीं, वो हैरान होता है। हैरान नहीं हो और न माने तो चलो भाई ठीक है, जो कुछ हो रहा है, लेकिन मानता न हो और हैरान हो तब ज्यादा तकलीफ होता है। और ये निश्चित बात है, न मानने वाला हैरान तो होगा ही, अधूरा वाक्य है। हाँ, गुरुजनों की न मानने वाला जीव हैरान ही होगा। माने की कैसी विचित्र दशा है, सबसे अपनी मनवाना चाहता है, सबको सब हमारी माने और स्वयं भगवान तक ही नहीं माने। जैसे आज के समय में प्रायः, सर्वथा नहीं कह रहे, प्रायः लोग माता पिता की उपेक्षा करते हैं और पुत्रों से अपेक्षा करते हैं। माता पिता की तो उपेक्षा करेगा और पुत्रों से अपेक्षा करेगा कि हमारी सेवा करे, उनकी नहीं मानेगा और ये हमारी माने। वही पाठशाला का अध्यापक अगर यहां बैठा तो नहीं मानने को तैयार है, और पाठशाला में जाएगा उसको कहेगा छात्र हमारी माने।
कौन किसकी माने भाई। जगत की मानोगे तो जगत में रुलोगे और भगवंतों की मानोगे तो भगवान बनोगे। नियम की बात है। आपने पढ़ा होगा सुना होगा विनय। विनय का कष्ट इतना ही नहीं है, ये तो विनय का एक नैमित्तिक कार्य है जो शरीर के द्वारा होता है। मैंने कहा कि विनय है ये, मन की विनय वचन की विनय अंतर्गत। धन्य है वे जी जो गुरुजनों के विपरीत कुछ सोचते भी नहीं हैं। गुरुजनों के विपरीत कुछ सोचते भी नहीं है। गुरुजनों का निरंतर उपकार विचार करते हैं, स्वरूप विचार करते हैं, उन जैसा होने की भावना। ध्यान रखना उनके अधीन नहीं वर्तते। बहुत से लोग कई बार कह देते किन प्रसंगों में गुलामी, ये गुलामी नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच है। गुरुजनों के अनुशासन में रहना ये पराधीनता नहीं है, गुलामी नहीं है, ये हमारे सुरक्षा कवच है। गुलामी गुलाम को दिखती ही नहीं है। पंचेंद्री के विषयों की क्या करना, उन्हें अपने अनुकूल बनाना रहना, उनके पीछे पीछे भगना, ये गुलामी है। पराधीनता पर को अपना मानने से, पर में सुखी कल्पना करने से जी व्यर्थ पराधीन होता है। प्रवचन सार जी का वाक्य आपको याद होगा, ये आत्मा भगवान का एक नाम है, क्या स्वयंभू। भगवान का एक नाम है स्वयंभू, जिसको अब भ्रंश कहने लगे शंभू शंभू। स्वयंभू शब्द है मूल में, स्वयंभू स्वयं ही है जीव। सत अपनी सत्कारकीय स्वतंत्रता से अपने ज्ञान रूप सुख रूप प्रभुता रूप परिणमता है। स्वयं ही इसने अपनी विपरीत मान्यता से, विपरीत वचनों से, विपरीत क्रियाओं से, विपरीत आचरण से संसार के दुख भोगे। स्वयं की भूल से ही हैरान हुआ है और स्वयं को समझ करके ही भक्त होता है और स्वयं में लीन होता है तो भगवान होता है। ये केवल ज्ञान रूप परिणमित कौन, अज्ञान रूप परिणमित कौन हो रहा है? अज्ञान भी कोई दूसरा नहीं बना रहा, अज्ञान रूप परिणमित भी जीव स्वयं होता है और केवल ज्ञान रूप परिणमित भी जीव स्वयं होता है। स्वयं भोगे भगवंतों की जो अनंत चतुष्टय विभूति है वह उनका स्वयं का परिणमन है, सत्कार की स्वतंत्रता है, जिसको टोटोमल जी ने संक्षिप्त शब्द से लिखा निस्वभाव साधन द्वारा। शिष्य गुरुओं की शिक्षा को स्वयं अपनी विनय से, अपनी लगन से, अपनी पुरुषार्थ से स्वयं ग्रहण करता है। इसीलिए सबकी सब अलग अलग प्रकार से ग्रहण कर लेते। एक सा उपदेश, एक सा वातावरण और सबका परिणमन अलग अलग। कोई कम समझा, कोई ज्यादा समझा, कोई विपरीत समझा,
कोई यथार्थ समझा, सबके परिणाम अलग है। उपदेश तो सब सुनते हैं, उपदेश तो शिक्षा मात्र है। जो जीव स्वयं विचार करते हैं वे जीव तत्व निर्णय करने में समर्थ होते हैं। लोक में भी ऐसा ही न्याय है। बिजली किसके लिए नहीं चमकती, लेकिन ज्ञानी विज्ञानी जीव विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं उसी बिजली की चमक से। ये पेड़ सूखे पड़ा, ऐसे ही पेड़ कभी आपने शास्त्र में भी बने देखे होंगे, सूखे पेड़ देखे पतझड़ ऐसे एक भी पत्ता नहीं, और वो पतझड़ का वृक्ष देखा, वो संसार ऐसा ही पतझड़ जैसा। जैसे ये बढ़िया एक चावल देख करके सारे चावल सीज गए कि कच्चे हैं ये समझ लेती, ऐसे ही ज्ञानियों ने एक दृश्य देखा और सारे संसार का ज्ञान कर लिया। ये मात्र वृक्ष ही अध्रुव नहीं है, विश्व में प्रत्येक पर्याय अध्रुव है, संयोग अध्रुव है, भोग अध्रुव है, संपदा ध्रुव है, एक सर्वोत्तम ध्रुव है। और विचार करके विरक्त हो गए, दीक्षा ग्रहण कर दी। भगवान मल्लनाथ को पूर्व भव में बैराग कैसे हुआ था, ऐसे ही तो हुआ था, बट वृक्ष विशाल गिराज रखकर, विशाल बट वृक्ष और एकदम गिर गया, लौट करके आए वृक्ष की दशा को, ओ हो ये दशा संसार की। ज्ञानियों के लिए वैराग का निमित्त है और अज्ञानी भय का निमित्त है, और सामान्य जीव तो अवश्य देखे करेगा कुछ नहीं हुआ। इतनी दुर्घटनाएं पहले कहां होती थी, पुण्यवान जीव होती थी, आज कितनी दुर्घटना है, बैराग का होता भय होता दो मिनट का, और सो भी मिथ्या भय, चार दिन बाद सामान्य हो जाता है, कुछ नहीं। स्मशानिया बैराग, अरे सब बेकार है, कुछ नहीं है। और कई बार तो वहीं खड़े खड़े स्मशान में खड़े खड़े पर का दोष दिखाई देता है, एक्सीडेंट हुआ, सरकार की गलती है, ट्रैफिक की गलती है, पुलिस की गलती है, फलाने गलती है, ओ चालक की गलती है, अपनी भी कुछ गलती है कि नहीं। आपकी भी कुछ गलती है, देख ले, देखते रहे हो। अरे हम उसे तत्व दृष्टि से नहीं देख रहे, ये भी हमारी गलती, संयोग दृष्टि से देख रहे हैं, सूर पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं, संयोग दृष्टि से वो तत्व दृष्टि से नहीं देख रहे, ये गलती है कि नहीं। तत्व दृष्टि से देख करके देखो, अपना जो नहीं देखने लायक है उसे देख रहे हैं, और जो देखने लायक है उसे नहीं देख रहे, और जो नहीं देखने लायक है उसे नहीं देख रहे, तो जिसे देख रहे हैं उसे भी विपरीत देख रहे हैं। देख करके विरक्त होना चाहिए, बस देखा और कुछ नहीं, बाढ़ आ गई बस आ गई खत्म, जैसे कुछ हुआ ही, एक्सीडेंट हो गया आगे चलो, होता ही रहता, ये संसार है। मतलब ये परिणामों की कठोरता,
कुछ नहीं हुआ। और इस पर जरा चला तो इस पर कुछ हो जाएगा, लेकिन कठोर पत्थर पर कुछ नहीं। कठोर परिणामी बड़ी बड़ी घटनाएं देखता रहता है, बड़े बड़े संयोग वियोग देखता रहता है, शरीर की बदलती हुई अवस्था को देखता रहता है, रोज मरने वालों को देखता रहता है, जन्मने वालों को देखता रहता है, करोड़पतियों को देखता रहता है, और रोड पर खड़े होता हुआ देखता रहता है, देखता रहता बस कुछ नहीं, और अपने को अलग। आप हंसोगे, एक बार एक बालक बोला बड़ी खुशी थी, देखो बारह भावना पढ़ने में क्या लिखा, बारह भावना तो ही पर राजा राणा छठपति हाथिम के अखबार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। तो हमें तो मरना नहीं, क्यों हम तो न राजा है न राणा है न छठपति। मैंने देखो तो कैसे विचित्रता, क्या छल निकालता है। जैसे गंदे पात्र में उत्तम दूध भी पहुंच जाए तो गंदा हो जाए, ऐसे अभिमानी के हृदय में शिक्षा तो प्रवेश नहीं करती, उसकी अलग से निकालती। कानून बाद में बनेगा, पुल पहले निकला है, बचाव पहले निकला है। लिखने वाले ने सोचा भी नहीं होगा इसका ये भी अर्थ कोई करेगा कि राजा राणा छत्रपति माने एक बस इतने अद्रुव है। कठोर परिणामी के हृदय माने ये चिन्ह है कुछ नहीं, मानो कुछ नहीं, ठीक है। आज विकास के नाम पर आप क्या समझ रहे हो, ये स्मशानों को मुक्ति धाम नाम दे दिया, और उनकी फिनिशिंगें देखो, हम तो गए नहीं कभी, लेकिन विचार करो उनकी फिनिशिंगें देखो, और वहीं आराम से सब गुब्बारे लगे हैं, वहीं आराम से टीवी चल रही है, लोग कारों से जाते हैं और बस वहां खड़ी की और बस अपना कार्यक्रम किया और फट उठ के चल दिए, कुछ है ही नहीं। ऐसा तो रोज होता है। ये परिणामों की कठोरता के नमूने हैं। जो टहनी ऐसे में मुड़ जाती थी, जरा सी हवा के झोंके में मुड़ जाती थी, और आज वो तना बन गया इतना मोटा, अब आंधी चल रही है, टूट जाएगी मुड़ेगी। अरे भाई, हमारे जीवन में मोड़ आना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए। अगर सहज भाव से सोच नहीं चलता तो बुद्धिपूर्वक सोचना चाहिए। आपको एक वाक्य श्रोता के स्वरूप में से सुनाया था, जिसकी भली होना रहे उसको ये विचार आता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये पढ़ने की कैसे बन रही है। जिसकी भली होना रहे उसको तो ये विचार आता है, लेकिन अपन को इसे यार समय से क्या निकालना चाहिए। अगर हमें भला करना है तो ये विचार करो कि मैं कौन हूं। आपको नहीं आता तो करो आप, हमें तो विचार आता ही नहीं। मैं दिन भर सवेरे से शाम तक 24 घंटे हो जाना है, रात्रि बीत जाए ये विचार ही नहीं आता मैं कौन हूं, कितनी विडंबना, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कितनी जिज्ञासा, ये क्या है, ये क्या है, और मैं कौन हूं ये पता ही नहीं। अरे पता होने की बात तो क्या, जिज्ञासा ही नहीं है मैं कौन हूं। अभिमान में फूला पड़ता है, मैं तो सेठ हूं, सेठ है कि सच है। उस दिन कहा था, अरे सेठ जो उसे कहते हैं जिसके श्रेष्ठ विचार हो, संस्कृत में श्रेष्ठ ही बोलते हैं। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक संस्कारों के लिए, जीर्णोद्धार के लिए,
अनेक उत्तम उत्तम कार्यों के लिए जिसकी भंडार खुले, शरीर तो उसको कहते जो जोड़ना जानता है, कमाना और जोड़ना, कमाना जोड़ना और सदुपयोग नहीं जानता, काय का शरीर है, सब है वो। इसने तो समझ रखा है शेर है, और कैसी भी बड़ी तो मान्यता है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते जाने क्या हो गया, ऐसा लगता है कि कुछ असर ही नहीं। ठीक है, शास्त्रों की बात अपनी जगह है, अपन अपनी जगह, ये दोहरा जीवन चलता रहता है। उस सेठाई में फूला है, इस वक्त भी देगा तो मना मना करके देगा चुपचाप, वो कोई ध्यान देना हो तो 4 रुपए 10 रुपए हाथ जोड़वाएगा, तो उसके बाद सोचेंगे, देख के बताएंगे, पिताजी से सलाह करेंगे, बेटे से पूछेंगे, फलाना करेंगे, अब अभी अगले महीने आ जाना, क्या मन परेशान हो जाए, जैसे बेचारा वो धर्म कार्य क्या करने लग गया और उलझे नहीं आ गए, और ये कैसे पूरा हो, सोच ही नहीं पा रहा, पहुंच जा दो सेठाई दिखा रहा है। अरे गरज तुम्हारी है कि उस सामने वाले की है, हाथ जोड़ जोड़ करके देने की बात है कि हाथ जोड़वा जोड़वा करके भी न देने की बात है, सोचो उपकार किसका है, पुण्य किसका बंदा, लोग किसका घटा, सदुपयोग किसका हुआ, वो सामने वाले का कि तुम्हारा। बिना भेद ज्ञान के अभिमान ही होता है, नहीं मालूम पड़ता, लेकिन समझ लेना, बिना भेद ज्ञान के अभिमान ही होता है। यदि आप जग नहीं रहे हैं तो सो रहे हैं, निश्चित दो में से एक तो होगा, अगर आप जग नहीं रहे हैं तो सो रहे हैं, निश्चित है ये बात। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने को आत्मा नहीं मान रहे तो इसका मतलब है हम अपने को शरीर मान रहे, भले पंडिताई के शब्दों में से मत कहो अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, हम कौन करता धरता है, हम मान रहे हो करता धरता, लोग गुप्त गान का भी ऐसा बखान करते हैं, अपने मुंह से ही कहने लगते हैं कभी कभी, ये लगता है कि गुप्त रखने की बात ही कहां रहेगी। बिना भेद ज्ञान के अभिमान होता ही है, और जो होता है उसे उसका अभिमान होता है, नहीं होता उसका अभिमान, जो होता है उसका अभिमान और नहीं होता है उसका अभिमान, अभिमान भी परद्रव्य के कारण नहीं होता। बड़ी बड़ी संपदा वाले बहुत विनयवान मिले आपको, बड़े बड़े ज्ञानी बहुत विनयवान मिले, बड़े बड़े ज्ञानी विनयवान ही होंगे, अरे छोटा ज्ञानी भी विनयवान होगा, ज्ञानी को विनय ही होगी, अभिमान उस प्रकार नहीं होगा। ज्ञानी हो और अनुदानवंदी मन हो असंभव, ज्ञानी हो अनुदानवंदी लोभ हो अन्याय नीति रूप लोभ हो असंभव, ज्ञानी मगन विषय सुख मानी यह विपरीत संभव नहीं है। जहां भेद ज्ञान नहीं है वहां अभिमान होता है। दृष्टांत बोलो एकार, अरे जहां उजाला नहीं होता वहां अंधेरा होता है, जहां उजाला नहीं हो वहां अंधेरा होगा, नियम से होगा। अभिमानी को ज्ञान नहीं होता,
और तीव्र अभिमान की दशा में ज्ञान को समझने की ज्ञान पात्रता भी नहीं। वह अपने को कुछ समझता है ज्ञानी अलग से, उसको सुनने में नहीं सुनाने में उत्साह होता है। समझने के लिए नहीं तैयार, समझाने के लिए तैयार है। अरे समझाने लायक बात में पहले समय तो दो भैया। अभिमान का कारण भी आपका अज्ञान जनित विपरीत विचार है। धन के अभिमान का फल धन नहीं, धन को अपना मानना, उससे अपनी शोभा मानना, उससे अपना बड़प्पन मानना, उस धन का कर्ता मानना, उस धन का भोक्ता मानना, उस धन से ही सारे प्रयोजन की सिद्धि मानना, ये अभिमान का कारण है, धन नहीं। अरे चक्रवर्ती ज्ञानी हो तो उसे अनंतानंदी मान नहीं है, उसे चैन मिल जाएगा द्वारापेक्षण के लिए, भगवंतों की भक्ति के लिए, अपने समाज के लिए, युद्ध के काल में। और इस अज्ञानी को जाने क्या होगा, चैन नहीं है। स्वाध्याय बात तो ठीक है लेकिन चैन नहीं है, यहां मरने के लिए फुर्सत नहीं। विपरीत सोच है, मद अभिमान पर के आश्रय से होता है लेकिन पर के कारण नहीं होता। क्या कहा, अभिमान पर के आश्रय से होता है पर के कारण नहीं। समंत बहादुर स्वामी कह रहे अस्तव आश्रित मानित, जाति का मद जाति के कारण नहीं हुआ, तेरे अज्ञान के कारण हुआ। तू जीव था, अमूर्तित था, अपनी जाति को नहीं पहचाना, शरीर की जाति को अपने जाति मान लिया, और अब हम चाहे कोई आचरण करें, चाहे जैसे करें, चाहे जैसे, चाहे कुछ माने, चाहे हमारी पूज्यता तो पक्की है। ये जो विपरीत मान्यता है यह अज्ञान भाव तेरे अभिमान का कारण है। ध्यानत राय जी ने पूजा में एक शब्द लिखा आपके सोचने के लिए, मान करण को कौन ठिकाना। विचार करके देखना, जिसका मान करता है वह अपना ही नहीं, जिसका मान करता है वह अपना ही नहीं है। जाति, कुल, रूप, बल, विद्या, अधिकार एक भी अपने हो तो बता, ध्रुव नहीं है, शरण नहीं है, वह जबरन अभिमान करे बैठे। लोक में पराई वस्तु से ईर्ष्या करे, भले करे, अभिमान नहीं करेगा अज्ञानी, और यहां पराई वस्तु का अभिमान कर रहा है। क्यों कर रहा है, है तो पर वस्तु मान रहा है अपनी बात। मेरी जाति, मेरा गोत्र, मेरा कुल, आपको याद है हम सिद्धों के कुल के हैं, इससे ऊंचा क्या सोचोगे, अब सोच पास सोचो, हम सिद्धों के कुल के। जाति अपेक्षा जीव जात की अपेक्षा, जीवत्व की अपेक्षा सिद्ध में और संसारी में भेद नहीं है।
जीव दो प्रकार के होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, जीव दो प्रकार के नहीं होते। जब लिखाए जीव दो प्रकार के होते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, जीव दो प्रकार के नहीं होते। कैसे, क्या देखो जीव दो प्रकार के कौन से होते बता, मुक्त जीव और संसारी जीव। तो जीव जीव दो प्रकार के कहां हुए, और जो संसारी जीव है वही तो मुक्त जीव बना है। संसारी ही संसार का अभाव करके मुक्त हुआ है। अरे अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है। कल कहा था भैया, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा तीन थोड़े हैं, एक जीव की एक आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं। आपको कोई रोग हो गया तो रोगी नाम पड़ गया, और जब रोग ठीक हो गया तो निरोग नाम पड़ गया। दो थोड़े ही हैं, रोगी और निरोगी। विचार करो, जीव दो नहीं है, जीव की अवस्थाएं दो, संसारी और मुक्त। जो सारा सार को जानता है, सार का आश्रय ग्रहण करता है, असार को छोड़ता है, वह मुक्त होता है, और असार में उलझा रहता है वो संसारी रहता है, बड़ी भ्रमण करता है, घूमता है। अरे लोक में भी आपको अपने कमरे का रास्ता मालूम है, अपना कमरा मालूम है, आप गए सीधे कमरे में, और मान लो बहुत बड़ा प्रांगण हो, बहुत बड़े पंचकल्याण के टेंट वेंट लगे हो और कमरे बने, और आप अपने कमरे का रास्ता भूल जा तो भटक ले। जो भूलता है वह भटकता है, यहाँ की कुछ बात भूल जाए तो यहाँ भटकेगा, और अपने को भूल जाए तो संसार में भटकेगा। जो भूलता है वही भटकता है, बिना नहीं भूलने वाला तो नहीं भटकता। आप तो नहीं भटके, कॉपी उठाई पेन उठाया और चल दिए, यहां आ गए बैठ गए, और भूल गया पेन कहां रख दिया, कॉपी कहां रखी, भटकोगे कि नहीं भटकोगे। इधर देखो उधर देखो, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ऐसे ही संसारी जीव अपने को भूल करके भटक रहा। बहुत पढ़ाई नहीं चाहिए इसमें, कोमलता चाहिए। तत्व की प्राप्ति के लिए कोमलता चाहिए परिणामों में, बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, और पढ़े भी होंगे आपने दृष्टांत, 11 9 पुल पढ़ने वाला भी अज्ञानी रह सकता है, और जिसको साथ ऐसे पकड़ने की और पढ़ने की फुर्सत, पढ़ने की जरा पकड़ने की ताकत नहीं, ऐसा सिलियन के भी ज्ञानी हो सकता। कोई दृष्टांत बताया था, ईमानदार होने के लिए बहुत धनी होने की जरूरत नहीं, गरीब भी ईमानदार हो सकता, और बहुत धन होने पर भी ईमानदारी ना हो। ईमानदार होने के लिए बहुत धन की जरूरत नहीं। दूसरी बात बताओ, शीलवान होने के लिए बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं। ये थोड़े ही बहुत सुंदर हो तभी तुम शीलवान हो, बहुत से तुम्हारे पास गहने और सुंदर सुंदर वस्त्र हो तभी तुम सुंदर हो, तुम्हारा गला सुंदर हो तभी तुम शीलवान हो। नहीं, इन सब के अभाव में भी अपने पति में संतुष्ट रहने वाली नारी शीलवती है, और अपनी स्त्री में संतुष्ट रहने वाला पति है पुरुष शीलवान है। बोलो है कि नहीं, कोई शंका? ऐसे ही अपने स्वरूप में अपने आनंद में संतुष्ट रहने वाला अल्पज्ञानी भी सम्यक ज्ञानी है,
और बाहर में सुख देखने वाला अज्ञानी बहुत सूक्ष्म है, बहुत बुद्धि है, सब ये अज्ञानी। बल्कि एक लक्षण लिखा है, अज्ञानी की तो नाना प्रकार की कुबुद्धि होती है, वो उसमें से छल ग्रहण करेगा, कुबुद्धि खोटी कार्यों में पड़े। धर्मी जीव को पास अगर कुछ लाभ मिल गया, धन अधिक आ गया, तो वो कोई धर्म कार्य सोचेगा। अब की लाभ तो हो ही गया, ऐसा करते एक शिविर अपनी ओर से लगा लिया। एक मंदिर बहुत परेशानी है, उस गांव में मंदिर नहीं है, जहां मंदिर नहीं है वहां मंदिर बनाने की जरूरत है, वहां बनाओ, और जहां बहुत मंदिर है वहां जरूरत नहीं है तो नहीं बनाओ। मंदिर बनाना पुण्य है कि पाप है? अब आप सोचो, मंदिर बनाना ना पुण्य है ना पाप, परिणामों से पुण्य पाप है, अभिप्राय क्या है तुम्हारा? अगर मन से मंदिर बना रहे तो बनाओ, तो मत बनाओ, पाप है। और विवेक की जरूरत के लिए मंदिर बना रहे हो, पुण्य पाप वस्तु से नहीं है, परद्रव्य के कारण नहीं है, पुण्य पाप परिणाम होते हैं। अभिमान का मूल कारण भेद ज्ञान न होना है, ज्ञानाभ्यास नहीं होना है। ऐसा इतना सोचते हो तो भी बहुत बड़ी बड़ी, और पंडितों को ऐसा लगता है हम ही बड़े हैं, उन्हें कि हम बड़े हैं, और सेठों को ऐसा लगता है हम बड़े हैं, उन्हें हम बड़े हैं, और हमारी तो बनाए मंदिर हैं, हमारी खरीदे तो जो विद्वान है त्यागी हैं सब। ये उनका स्वयं का अज्ञान है, अपनी गंदी मानसिकता है, विपरीत सोच है, पर द्रव्य का दोष नहीं है। समझना क्या, हमारे अभिमान का कारण कोई पर द्रव्य नहीं, हमारा ही अज्ञान, हमारा ही विपरीत विचार है। कैसी विडंबना, स्वयं धनी होना चाहता है और धनवानों से ईर्ष्या करेगा, स्वयं धर्मात्मा होना चाहता है धर्मात्माओं से ईर्ष्या करेगा, स्वयं ज्ञानी होना चाहता है और ज्ञानवानों से ईर्ष्या करेगा। अब कैसे हो सकता है संभव? अरे ईर्ष्या करने से, चाह करने से पाप होता है भैया। तुम धनवान क्या, जितना है उतना भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। जो दो चार क्रियाएं कर रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारा उदय तीव्र आ गया तो। हम तो 3 घंटे खड़े होकर पूजा करते, लोग वैज्ञानिक कैसे 5 मिनट में बैठ जाते। अरे तुम्हारा तीव्र उदय आ गया, तुम बैठ नहीं पाओगे, सच्ची बात है ये, बैठ नहीं पाओगे, 1 मिनट नहीं बैठ पाओगे। तुम 3 मिनट की कह रहे हो, 1 मिनट भी बैठ के बताओ तो नहीं बता पाओगे। क्यों भाई, क्या हो गया? कि डॉक्टर ने कह दिया जमीन पर मत बैठो, नीचे मत बैठो। अरे गुरुजनों के नीचे ही बैठना, गुरुजनों के नीचे ही बैठना, घबराना नहीं, जिनवाणी के नीचे ही बैठना, घबराना नहीं, लेकिन केवल क्षेत्र से ही नहीं, भावों से, भावों से। विनय को नीच वृत्ति कहा है, नीच वृत्ति, वो नीची वृत्ति, वो नहीं है नीच वृत्ति, समझना। नीचे ही वृत्ति अनुच्छेद का तत्वाशु तुम्हारा, नीचे ही वृत्ति नम्रता। मालूम है आपको, कोई दृष्टांत याद है? एक बार दीवान अमरचंद जी जाते थे गरीबों की सहायता करने, स्वयं रात को ही चल देते थे, अकेले चल रहे थे, तो कुछ सामान दे करके जा रहे थे, पोस्ट लग करके किसान का भेष बना करके। उधर से राजा निकले,
देखें भले क्या हो रहा है राज्य में, मिल गए दोनों। कौन जा रहा है इतनी रात को गठी लेकर? अब बेचारे सोचे क्या कहें, बोले मैं गरीब किसान। अरे कौन है गरीब किसान? रुक जा भाई, बे उतरे मिल गए। दीवान जी आप, कोई नौकर नहीं था, जानते थे। दीवान जी नीचे निगाह कर, राजा ने कहा क्यों भाई, कोई बुरा काम तो करने जा रहे नहीं, चोरी करने तो जा नहीं रहे, नीची निगाह क्यों है? क्या सुनाया था उन्होंने, देवन हारो भाग्य है देवन हारो मैन, लोग भ्रम मेरो करें साथे नीचे में। उन्हीं के उदय में सामने वाला को देने की जरूरत ही नहीं है, स्वयं ही मिलता है। नहीं मिलता तो बताओ मां के आंचल में दूध कितने भरा। मां के आंचल में दूध किसने भरा? और जब बच्चा भोजन करने लायक हो गया तो दूध सूख गया, कौन से सुखाया? न ऊपर से किसी ने भरा और न किसी ने सुखाया। बालक की पुण्य का दूध जब तक अन्न खाने लायक नहीं रहा हुआ, बराबर दूध झड़ता रहा, और जब वो भोजन करने लायक हो गया दूध सूख गया, खत्म हुआ। किसने भरा, किसने सुखाया? पंडित गोरंगल जी कहते हैं, चकवा चकवी को रात्रि में किसने देश बुद्धि से अलग किया है, और दिन में किसने राग बुद्धि से मिलाया? कहे जिनमित निमित एक संबंध है, सूर्य कठोर है उष्ण है लेकिन कमल को खिलाने वाला है। गुरुजनों के कठोर वचन भी भव्य जीवों को प्रफुल्लित करने वाले, आनंदित देने वाले। कौन करे? पुण्य के उदय में सहायक की जरूरत नहीं है, और पाप के उदय में कोई सहायक करता नहीं। ऐसा मत सोचना दूसरे का दोष कर सकता है, जिसका बर्तन फूटा है उसको क्षीर सागर भी नहीं भर सकता। क्या कर, रोटे ही फूटा तुम्हारा, ये कुआं खराब नहीं है, तुम्हारा लोडा फूटा है। पर का दोष नहीं है, अपनी भूल है। क्या विषय चल रहा है? हमारे अभिमान का कारण हमारा ही अज्ञान है, वेद ज्ञान का अभाव है। और ध्यान रखो, जब तक अंतरंग से ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे, ज्ञानियों की बात बहुत विनय से नहीं सुनेंगे, बहुत विनय से शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे, अपना लक्ष्य करके मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित करना है, जब तक इस भाव के साथ नहीं सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे, ज्ञानी नहीं होंगे, अभिमान नहीं मिटेगा। आज करोड़ की माया है, कल एक क्षण भी नहीं रहेगी तो अभी अभिमान नहीं टूटेगा। पूर्व को याद करके, पहले तो हमारे पास सब कुछ था, कुछ ऐसा उदय आया भाग्य चक्र बदला, अब उसमें भाग्य आ गया। जब था तब भाग्य का नहीं था, अब भाग्य आ गया उसमें। कार्य बना गया तो हमने बनाया, और बिगड़ गया तो कर्म हो जाए। विपरीत सोचें, अरे भाई विचार तो करो, जिस जिसका अभिमान करते हैं वे तुम्हारी हैं भी कि नहीं है, हैं भी कि नहीं है? ये तो हम ले जा, हाँ पर आप ले जाओ, आपकी है भी कि वैसे ही कह रहे हैं? क्या ले जा, देने वाले होते कौन हो आप? अरे आपको कहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्या ले जाओ आप? उस वस्तु से भी पूछो, शरीर से भी पूछो, हमारा बनने को तैयार है कि नहीं, हमारे अनुसार परिणमने को तैयार है कि नहीं,
और अगर हमारे अनुसार परणमने को तैयार होता तो कोई दुखी नहीं होता, लेकिन परद्रव्य हमारे अनुसार नहीं परणमता, हमारे विकल्पों के अनुसार नहीं परणमता, और तब हम जबरन दुखी होते। ज्ञानी उस समय भी दुखी नहीं होते। वेद ज्ञान से देखो, जिसका मन कर रहे वो अपने ही नहीं है, जाति शरीर की है, कुल शरीर का है, रूप शरीर का है, तुम्हारा कहां? और दूसरा दोष ये है वो अध्रुव है। पहले दृष्टांत दिया था याद है, रावण ने पूछते पूछते एक बात पूछ ली, तुम सब लोग जिद पर पड़े हो सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कर दो, ये बताओ सीता में दोष क्या है? सीता सुंदर है, शीलवती है, गुणवती है, सीता में दोष क्या है? अब उस मूल को कौन समझा रहे सीता अपनी नहीं, ये बड़ा दोष, इसमें दोष क्या है? ये अपनी नहीं और अपनी हो भी नहीं सकती। मंदोदरी रानी समझाती है, हे स्वामिन अपनी वस्तु ही ग्रहण करने योग्य होती है, पर वस्तु नहीं, अपनी वस्तु ही प्रशंसनीय होती है। जो अपनी मर्यादा में प्रवर्तता है वही प्रशंसनीय होता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वह प्रशंसनीय नहीं होता। प्रशंसनीय वे होते हैं जो जीव जीव की दृष्टि, जीव जीव के व्यवहार में जाति को आड़े नहीं आने देते। अरे जाति का जो विवेक बताया चंदन योग पद्धति से, वो इसलिए बताया जाति हीन जाति किसको कहा? जहाँ मध्य मास मदरा आदि का सेवन होता है, जहाँ उल्टी सीधी प्रवृत्तियां होती हैं, जहाँ सील कुशील का कोई ठिकाना नहीं है, उनको कहा हीन जाति। शिक्षक विधान में आपने पढ़ा होगा क्या लिखा, जा को सब कहत कमीना आचरण करे अति हीना, सोनी के गोत्र पर जा रहा। लिखा, अब तो बदल गई सारी बातें, कम हो गई, नहीं तो पहले ये शब्द प्रयोग बहुत होता था। टेकन जी ने किया, मार्दव धर्म कनक ने मीना, या को धार सके न कमीना। विनयवान हरेक नहीं हो सकता, कपड़े बदल सकती हो, माला लटका सकती हो, आसान लगा सकती हो, क्रियाएं कर सकती हो, लेकिन विनयवान होना बहुत मुश्किल है। जो विनयवान हुआ सर्व गुणों के पात्र हो गया। विनय याद होगा केवल एक गुण नहीं है, समस्त गुणों का जनक है। जैसे वृक्ष की जड़ एक अंग है, एक अंग नहीं है, वो सारे वृक्ष को पनपाने वाला, जड़ हरी है तो वृक्ष में कुछ उगड़ने वाला, और जड़ अगर सूख गई खोखली हो गई सारा वृक्ष खत्म। अगर हमारा विनय गुण चला गया तो सब खत्म। अब विचार करो, इस जिनका हम जाति कुल रूप बल विद्या अधिकार किसको सोच रहे हैं, किसको सोच रहे हैं? अत्यंत निर्बल जीव में जो ऐसे नहीं उठा सकता, ऐसे ऐसे हाथ नहीं हिला पाएगा, मक्खी नहीं उड़ा पाएगा अगर बैठ जाए ऐसे, और इतना बलवान है कि कर्म को हटा सकता है, मक्खी नहीं हटा सकता,
करवट नहीं बदल सकता, उपयोग बदल सकता है। उपयोग बदलने के लिए उस समय भी जीव स्वतंत्र है, करवट बदलने के लिए नहीं। करवट का कोई आए तब बदलाएगा, लेकिन उपयोग उस समय भी बदल करके सुखी हो सकता है। अरे अपना पुरुषार्थ अपने में चलेगा कि पर में चलेगा? करवटें मात्र मत बदलो, आसन मत बदलो, क्रियाएं मत बदलो, वेश मत बदलो, स्थान मत बदलो, पहले दृष्टि बदलो, मन का बदलो, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। जिस जाति का तू अभिमान कर रहा है, बार बार संबोधन करो वो आत्मन, ये तेरी जाति नहीं है, ये तेरा कुल नहीं है, ये तेरा रूप नहीं है। सीता का ये रूप देखा था शरीर का, तो वासनाएं जगी रावण को, और अगर चिद्रूप देख लेता तो सारी वासनाएं भग जाती। जब सीता का वो शील का रूप ही देख लिया तो पछताने लगा, हाय हाय मैंने इस महाशक्ति को व्यर्थ ही कष्ट दिया। हीन कुल और उच्च कुल का जो भेद किया गया वो आपको हीन आचरण से बचाने के लिए है, न कि अपने परिणामों को हीन बनाने के लिए, अभिमान करने के लिए, दया छोड़ने के लिए नहीं है। लेकिन दोनों बातें बैलेंस में रखना। देखो ये किताब का चार ग्रंथ है। टीकाकार पंडित सदा सुखदास जी ने एक लिखा स्नान लोक मूर्धा लिखा है, उसमें स्नान का प्रसंग लिखा है। स्नान में धर्म मानने का निषेध है, स्नान मात्र से ही धर्म हो जाएगा। अरे भाई अनछने पानी से, चाहे जिसने पानी से नदियों में जाकर के स्नान करो तो धर्म होगा नहीं, लेकिन प्रासुक छने पानी से भी स्नान करने पर धर्म तो नहीं। तुम सोचो धर्म हो या धर्म तो नहीं होगा। क्यों? जिसका स्नान पानी के द्वारा हो रहा वो तो शरीर और तुम चैतन्य आत्मा। और फिर एक वाक्य लिखा, तोहु श्रावक की भूमिका में मुनराजों की तरह स्नान का त्याग करना योग्य नहीं है। जब तक अपने पाप के परिणाम नहीं छूटे, अयोग्य प्रवृत्ति नहीं छूट पाई, तब तक पाप से ग्लानी मिटाने के लिए स्नान करके ही धर्म के उपकरण लिखा है, धर्म के उपकरण जिनवाणी आदि के छूना है, उसके बिना नहीं। लेकिन स्नान मात्र से ही धर्म मान लेना ये मिथ्या है। ऐसे ही ये समझ लेना, पड़ोसी के साथ सद्व्यवहार करना लेकिन पड़ोसी को अपना सा नहीं मानना, सद्व्यवहार रखना। एक वाक्य आपने सुना होगा, पड़ोसी की रक्षा में आपकी सुरक्षा है, लेकिन पड़ोसी को अपना मानने में आपकी सुरक्षा नहीं होगी। पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो बुझाने जाओगे, लेकिन मुख्य उपयोग क्या रहेगा? हमारे घर में न पहुंचा। पड़ोसी के घर में चोरी हुई और देखने जाओगे और वैसा कारण अपने घर में होगा तो दूर करोगे, अपनी दीवार ऊंची करोगे, अपने ताले मजबूत करोगे, अपने घर में चोरी नहीं हो जाए। पड़ोसी को भी ढालस दोगे, चिंता मत करो कोई बात नहीं, वो सब ले गए अब क्या खांसी है, सब उठा ले गए, कोई बात नहीं हमारे घर से ले आओ, और खुद ले आओगे दे जाओगे सब करोगे, करना भी चाहिए।
लोक व्यवहार, लेकिन विचार करना, पड़ोसी को पड़ोसी ही समझना, न पड़ोसी से बिगाड़ना और न पड़ोसी को अपना समझना। शरीर भी पड़ोसी है, जानबूझ करके पहले कहा था आपको, आलस से, प्रमाद से, अज्ञान से, कसायों से शरीर को बिगाड़ना भी नहीं और शरीर को अपना भी मत समझना। पड़ोसी है, पार्श्ववर्ती, लापरवाही, क्या कुछ खा रहे, क्या जब खा रहे, क्या जैसे खा रहे, क्या कहीं घूम रहे, क्या पड़े हैं तो पड़े हैं, फिर बीमार हो गया, पूजा छूट गई, अब स्वाध्याय छूट गया, अज्ञे छूट गया, अरे छूटता गया, हुआ बनना था, हुआ कहाँ था, तुमने शरीर आश्रित मान लिया था, लापरवाही तुमने करी, धन तुम भोगो। इस शरीर से धर्म ध्यान करना है, ए ड्राइवर गाड़ी बहुत दूर ले जाना है, 700 किलोमीटर, ढंग से चला। इस शरीर के द्वारा मोक्ष मार्ग की साधना करनी है, समाधि करनी है, ढंग से चला। अरे क्या होता है, क्या होता है, होता क्या है, उसका परिणाम होता है, और परिणमन में निमित्त निमित्त संबंध भी है। गाड़ी में खराब पेट्रोल जाएगा तो गाड़ी इंजन क्या होगा, यहां भी खराब भोजन जाएगा तो क्या होगा। अगर आपकी गाड़ी में खराब पेट्रोल जाएगा तो क्या होगा, आप बता क्या होता है। अरे होता क्या, देखो देख खड़ी जा जाती है, और क्या होता है, इंजन खराब हो जाता है। तो शरीर में भी अगर आपने लापरवाही बरती, चाहे कुछ खाया पिया, मनमानी करी, तो फिर एक बात कहा था, फिर सुनना भाई, कुंद कुंद स्वामी कहते हे कान वालों सुनो, कुंद कुंद स्वामी कहते हे कान वालों सुनो, फिर ध्यान रहे तो बंधन ही नहीं होता। उस प्रसंग में कहा है, हम भी आपसे कह रहे हैं, मनमानी करने वालों को जिनवाणी नहीं मिलती। अगर जिनवाणी चाहिए और जिनवाणी के अनुसार आपको सुख शांति चाहिए, जीवन चाहिए, तो मनमानी प्रवृत्ति को छोड़ दो। कह दो हमको मान नहीं, हमको ज्ञान चाहिए, प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए, मान नहीं। एक बार का एक प्रसंग, एक समारोह में एक मंत्री जी पधार गए, शायद मुख्यमंत्री से कौन थे हमें ध्यान नहीं, मंत्री जी पधार गए और बस अपने त्यागी जी अपने आराम से बैठे, और वो वहीं माला सत्कार, और वो माया और मंत्री जी फलाने वलाने। अब उनका नंबर आया बोलने का, मंत्री जी का, बोले भैया ये मान तो सब जगह मिलता है, हम कुछ ज्ञान लेने आए हैं, कुछ हम समझने आए हैं, सीखने आए हैं, यहां भी मान तो ज्ञान कहां मिलेगा। मंत्री बरसों पुरानी बात है, बोले भैया हम ज्ञान लेने आए हैं, मान तो दुनिया में मिल रहा है। मानवादी संतों के चरणों में थोड़ी आएंगे, भगवंतों के चरणों में थोड़ी आएंगे, जिनवाणी में थोड़ी आएंगे, मानवादी जाने कहां कहां फिरेंगे संसार में। ब्रह्म पहले ये समझ लेना, भेद ज्ञान कर लेना, ये मेरा नहीं है, उसके बाद मान करके बताना। आपका एक व्यक्ति अचानक निकल गई एक गाड़ी 20 लाख की, 50 लाख की, आपको मान तो नहीं आता, क्यों नहीं आता, निकल गई होगी जन किसकी होगी, हमारी तो है नहीं, हमें क्या लेना। तो इसका मन क्यों आता है, मैं सुंदर हूं,
मैं विद्वान हूं, मैं श्रेष्ठी हूं, मैं उच्च कुल का हूं, मैं बलवान हूं। अरे बलवान हो तो धर्म की रक्षा करो, अपने संयम की रक्षा करो, अबलाओं की रक्षा करो, धर्मायतनों की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। अगर बल है तो इसमें सार्थक करो। अगर तुम बलवान हो तो निर्बलों के सताने का लाइसेंस नहीं मिलेगा तुम। अगर तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो अज्ञानियों को फटकारने का, तिरस्कार करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तुम क्या जानो बुरे कहीं का, ऐसे बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा तुम्हें। ज्ञानी विनयवान होते हैं। अगर विनय निकल गई तो ज्ञानी का असर रहा। मिश्री में से मिठास निकल जाए आपका, अभी मिश्री है। जो जल करके कोयला हो गई मिश्री किसी कारण से, उसको भी मिश्री कहो? नहीं कहेंगे। तो फिर आप कसायों में जलते हुए कोयला हो गए, और कभी ज्ञानी मान रहे, धर्मात्मा मान रहे अपने को? सोचो विचार करो भाई। ज्ञानी विनयवान होते हैं, जो विनयवान होते हैं वे ही ज्ञानी होते हैं। ये पात्रता की बात भी है और फल की भी बात है। अगर आपको मान के दुर्गुणों से बचना है तो मान से बचो, और मान से बचना है तो ज्ञान का अभ्यास करो। और जो आप पढ़ते हो उसी तरह से, जो आप पढ़ते हो उसी तरह से करो अभ्यास। ज्ञान अभ्यास करे मंदिर का जीवन और घर का दुकान का जीवन अलग अलग नहीं, सोच कम से कम एक रखो, ईमानदार बने रहो। आपका नाम क्या है? फलाने दार। और बाहर निकल गए आपका नाम क्या है? बदल गया नाम। यहां आपका नाम कुछ और है, वहां बाहर निकल गए तो अलग नाम हो गया क्या? तो काम क्यों बदल जाते हैं? ईमानदार बने रहो सर्वत्र हर परिस्थिति में। अगर शांति रखनी है तो विनम्र बने रहो, विनम्र बने रहो। कितनी ही आंधी आ गए, कितने ही पेड़ टूटे, कभी आपने पढ़ा समाचारों में इतनी घास उखड़ गई? क्यों? बस झुकना जानती है। विनम्र है घास, और कैसे समझा बताओ आचार्य भगवान, घास से समझा रहे। आंधी आई और वो झुक गई, और फिर आंधी हटी सुबह खड़ी हो। अगर टूटना नहीं है तो झुकना सीखो, अगर नहीं झुकोगे तो टूटोगे। झुकना सीखो। सवेरे कहा था रमुकार मंत्र से हमारी शिक्षा प्रारंभ होती है, और रमुकार मंत्र पहला लक्षण है रमो विनय, झुक जाओ। लेकिन क्या कहीं नहीं, क्या कहीं नहीं, विनय का एक स्थान भी है, एक हाथ में अपन वजन लेकर के चलते तो थोड़ा सा झुकते हैं, लेकिन विपरीत दिशा तब बैलेंस रहता है। और अगर उसी ओर झुक जाए तो गिर पड़ेंगे। तो भाई ऐसी इन काम भोगों की ओर, परिग्रह की ओर और भीड़ की ओर झुकोगे तो मर जाओगे। झुको परंतु देवगुरु धर्म की ओर। आपने मार्ग धर्म की पूजा करी थी सवेरे, उसमें अर्घ चढ़ाए थे, कौन कौन से बोले थे? देव विनय, गुरु विनय, शास्त्र विनय, चैत्यालय विनय, चैत्य विनय, धर्म विनय आया उपचार से धर्मात्मा में। विनय करने योग्य स्थान है, झुकने लायक स्थान है। जिधर से तुम्हारा वजन है उधर ही झुकोगे तो गिर जाओगे। विपरीत दिशा में झुको तब बैलेंस रहेगा।
अनादिकाल से राग पर तुम्हारा भजन है। राग का कर्तत्व का बोझा लेकर के चल रहे हो, बीत राग की ओर झुको। राग से नहीं, बीत राग होने के लिए। जब बीत राग के इन चरणों में झुकोगे तब समझ में आएगी बीत राग होने का क्या उपाय। आचार्य कुन कुन जैसे आध्यात्मिक योगीश्वर जिन्हें उपचार से कह दिया, साक्षात तीर्थंकरों जैसा काम किया, अमृत चौंस स्वामी ने गर्धर जैसा काम किया, वे कुन कुन स्वामी कहते भैया विचार तो करो, कहाँ है तुम्हारी परिणति, किधर जा रही है। बीत राग के चरणों में झुकने के लिए तुम्हें टाइम नहीं है। उपयोग नहीं है, दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है कुछ। बीत राग के चरणों में बीत राग होने के लिए झुको तब समझ में आएगी ये बीत राग कैसे हुए। सभी ने एक बात कही थी, ये प्रतिमा ऐसी प्रतिमा है जिसे देखते ही अपना स्वरूप स्वयं देव दिखता है। ऐसे ये विनय ऐसी है, यहां विनक होने जाने वाला जीव, झुकने वाला जीव स्वयं अपनी ओर झुक जाता है, पता नहीं पड़ता क्या होता। जो वीतराग के चरणों में आता है वह स्वयं अपने अंदर चला जाता है, स्वयं शब्द कहने के बिना पुरुषार्थ के मत समझ लेना। लोगों ने सहज कह करके उड़ाना सीख लिया, वो तो सहज होता है। अरे सहज होता है तो बिना पुरुषार्थ के थोड़ा ही होगा। एक संवाद में अन्य संवादों की सापेक्षता है कि निरपेक्ष है। सहज होने वाले कार्य भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होते, और पुरुषार्थ से होने वाले कार्य भी सहज होते, समय पर होते। सहज का मतलब कोई जल्दी हो जाएगा ऐसा थोड़ी है। जितना समय उसमें लगना है उसका लगेगा समय। भेद ज्ञान का अभ्यास करो, मात्र जानकारी मत संग्रह करते रहो। वेद ज्ञान का अभ्यास करो, अंतरंग में अभ्यास करो। शब्द बोलो, आगे बोलो, क्या बोले हैं? अंतरंग प्रीति से अभ्यास करो, अंतरंग में अभ्यास करो, अंतरंग प्रीति से अभ्यास करो, अपने लिए अभ्यास करो, अपने में अभ्यास करो। फिर तुम्हारा तीर्थंकर जैसा रूप भी हो जाएगा तो मान नहीं होगा तुम्हें, गारंटी है इस बात। आत्मा के आश्रय से मार्गक धर्म प्रकट होता ही है, पर के आश्रय से मार्गक धर्म कभी नहीं आता। थोड़ी सी मन की मंदता हो जाए बात अलग है, कभी तीव्रता कभी मंदता। आप विचार करो, कहीं रोग की मंदता को निरोगता कहते हैं? रोग की मंदता को निरोगता कह तो देते हैं व्यवहार में, लेकिन मानते हैं क्यों भैया? आज तबीयत कैसी है? आप तो ठीक है, तो ये दवाई का खा रहे? अरे अभी बिल्कुल ठीक नहीं। ठीक कहते हुए भी पूर्ण ठीक नहीं मान रहे हैं और उसकी दवाई कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, और ठीक भी कह दिया रहे आज तो ठीक है। ऐसे यहां समझ लेना भाई, मन की थोड़ी सी मंदता हो जाने मात्र को विनय मत समझना। वेद ज्ञान हुए बिना ज्ञानियों का विनय कैसे आएगा? ज्ञानियों को ही ज्ञानी विनय आएगी, धनी को ही धनी का आदर आता है, धनी को ही धनी का आदर आता है। तुम्हारी साहित्य में लिखा
जो लेखन का श्रम है वो लेखक ही जान सकता है। कभी कभी एक लाइन लिखने में तमाम टाइम लग जाता है, क्या लिखेंगे। अरे पुत्र के जन्म की पीड़ा को कोई पुत्रवती स्त्री ही जानेगी, बंध्या क्या जाने। इन ज्ञानियों की करुणा का मूल्यांकन करो जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं। ये शास्त्र तो तुम्हें छपे छपाए मिल गए हैं। जंगल में ताड़ पत्र पड़े इधर उधर और उन्हें उठाया, संग्रह किया और कांटों से लिखने लगे। उनके श्रम को देखो, उन श्रमणों की करुणा का मूल्यांकन करो। तुम्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं, तुम्हें समझने की फुर्सत नहीं, ऐसे मान में चूरो। फुर्सत नहीं है, पैसा 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 साथ नहीं आएगा। ये रूप ध्रुव नहीं रहेगा, ये क्षेत्रम विनाशी के। बड़े बड़े क्षेत्रम वाले, बड़े बड़े बुद्धि वाले जरा सी बात पित्त के परमाणु बदले पागल हो जाते, पागल हो जाते, उन्हें ये होश नहीं रहता। एक गांव में गए, एक पंडित जी थे पुराने, बहुत बूढ़े थे। हम उस समय लड़कों से थे, पंडित जी को 5000 श्लोक याद थे। और हम हिंदी में बोले तो जब से संस्कृत का श्लोक सुना देते, विद्युत का इतनी। और फिर थोड़े दिनों बाद भूलो वो सुने। एक बात अंतिम में और कह दे, मैं देखो भाई व्यवहार नहीं की, ज्ञान का मद ज्ञान का नाश करता है, ज्ञान का मद ज्ञान का नाश करता है, रूप का मद रूप का नाश करता है, धन का मद धन का नाश करता है। जो धनों का मद करेंगे एक दिन निर्धन होना ही पड़ेगा, भले इस पर्याय में नहीं अगली पर्याय में सही। धन का मद निर्धनता को बुलाता है, धन का नाश करता है, रूप का मद रूप का नाश करता है। ये सकल सुंदर सुंदर बेर बेर देख रहे हो शीशा में, बेर बेर भगवंतों के सामने अपनी सकल देखो। पुराण साक्षी है, रूप के मद वालों को कोड़ फूट पड़े। जिन रूप का मन रूप का अनादर करने वालों के कुष्ठ शरीर में कुष्ठ वेदना हो गई। श्रीपाल का क्या अपराध था, श्रीपाल को कैसे कुष्ठ हुआ था, कामदेव थे। पूर्व भव में मुनराज बैठे और उनको देख करके, अरे कैसे मेले कुचले कोड़ी जैसे बैठे, नाऊ तो जाते नहीं इन पर। एक काम करो, अपने साथ के लोगों से बोले इनको डुबकी तो लगा दे इस गड्ढे में। अब मुनराज की शांता देखी, को सोचा भली होना नहीं, निकाल लो चलो छोड़ो। अब कोड़ भी हुआ ठीक भी हुआ, समुद्र में भी गिरे और निकले। हंसी हंसी में किए गए पाप रो रो करके भी नहीं कर लेंगे। पाप करते हुए डरो भाई, मिथ्या से बड़ा पाप नहीं है, अभिमान से बड़ा पाप नहीं, पाप मूल अभिमान। ये तो तुम लौकिक में पढ़ते हो, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। ऐसे कोई कष्ट नहीं है, ऐसे कोई विघ्न नहीं है अभिमानी को न झेलने पर। बल का मद निर्बल बनाता है, कमजोरी कमजोरी कमजोरी, बल का अभिमान किया होगा, दुरुपयोग किया होगा। कर्म पूरे ईमानदार हैं ये समझ लो, आप सच्चे गवाह हैं। आप यहां ऐसे क्यों बैठे हो, ये कर्म किए तो यहां बैठाया होगा, किसी को आदर किया होगा, किसी का उपयोग लगाया होगा, इसलिए यहां ऐसे बैठे। और नहीं तो कहते निकलो यहां से। कर्म पूरे ईमानदार और सच्चे गवाह हैं। ये भिखारी मांग रहे हैं, इन्होंने दान नहीं दिया,
अज्ञानी इन्होंने ज्ञान की ज्ञान का आदर भी नहीं किया, ज्ञान की जिज्ञासा भी नहीं की, ज्ञान का मद किया, आज अज्ञानी बने डूब गए। विपरीत फल होता है ज्ञान के अभिमान का फल, हाँ अज्ञान का, ज्ञान का नाश, और धन के अभिमान का फल धन का नाश, रूप के अभिमान का फल रूप का नाश, ऐश्वर्य के अभिमान का फल ऐश्वर्य का नाश, अधिकार का नाश, उच्च कुल के अभिमान का फल नीच कुल उच्च कुल का नाश, ये अभिमान के ही फल हैं जो आप नहीं चाहते। इसको मेरा गला बहुत सुंदर है, मैं बहुत मीठा बोलता हूँ, बढ़िया बोल देता हूँ, गला खराब, कितने लोग ऐसे हैं सामान्य रूप से बात भी कर रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे लड़ रहे हो, गली में जैसी बांस पड़ा हो लोक में कह दीजिए, मनी बैठा ईश्वर, ऊंट और गधों का क्या अपराध है, ऊंट रेंकता है गधा रेंकता है, बताओ क्या अपराध है उनका, ये स्वर क्यों है उनका, मैदक जब जगाती है क्यों है, कुत्ता भूखते हैं, ये नाना प्रकार के दुस्वर नाम कर्म के उदय से उनको इस प्रकार की स्वर मिली, तो ये दुस्वर कर्म कैसे बंधा है अपने स्वर का अभिमान करने, मैं बहुत बढ़िया गा देता, मैं बहुत बढ़िया बोलता, मीठा बोलता, ध्यान रखना है तो कल का प्रसंग लेकिन आज ही सुन लो, हाँ धर्म का कोई दिन नहीं होता, विचार करो जो दूसरों को देना चाहता है स्वयं को मिलता है, वह विचार तो करो, महाचारी करता है दूसरे के लिए, सोचता है लेकिन होती वह अपने लिए, होती वह अपने लिए, तिरस्कार करता है दूसरों का, होता तिरस्कार अपना, जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ बेनिंदनीय हुए कि जिन्होंने उपसर्ग किया बेनिंदनीय हुए, जिन्होंने उपसर्ग किया बेनिंदनीय हुए कि जिन पर उपसर्ग किया बेनिंदनीय हुए, जिन्होंने किया वो माने की नीच गति होती है कि जिससे मान करता है उसकी नीच गति होती है, माधव धर्म कनक में मीना कैसा शोभता है, कनक में मीना जीवन में माधव धर्म उसी प्रकार शोभा मान दो, माधव धर्म को प्रकट करने के लिए हम यह मार्ग धर्म की चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा के लिए चर्चा नहीं है, मार्ग धर्म प्रकट करने के लिए मार्ग धर्म की चर्चा है, मान के दोष मान को छुड़ाने के लिए बताए हैं, जिनागम ने मान के जो दोष बताए हैं वो मान छुड़ाने के लिए बताए, विनय के जो गुण बताए हैं वो विनय प्रकट करने के लिए बताए हैं, अगर इन दुर्गुणों को नहीं घुसने देना है अपने जीवन में तो समझना निरंतर ज्ञान अभ्यास करना, निरंतर भेद ज्ञान रखना, अकेली जानकारी नहीं, भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान, शरीर उद्गल है, इतनी नसें होती हैं, इतना खून होता है, इतनी धातुएं होती हैं, इतनी उपधातु, ये डॉक्टरों का विषय है कि नहीं, विशेषज्ञ, और शरीर मेरा नहीं है इसका नाम ज्ञान, ये सारी शरीर विज्ञान पढ़ने से पहले ये भेद ज्ञान पढ़ लेना कि शरीर में नहीं हूं मैं, जीव हूं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें बालबोधों की बातें, अरे बालबोधों की बातें नहीं भैया,
नमक इतना सस्ता है लेकिन रसोई में कितना महत्वपूर्ण है, सोचो। ये तो क्या, दो पैसे का नमक बेकार है, इसमें क्या है? ये तो गरीबों की झोपड़ी में भी है। ऐसा कहकर के नमक का तिरस्कार करते हो कभी? नमक लाओ जरा। इन रविवार वालों को नमक छोड़ना मुश्किल पड़ जाता है, क्यों? आत्मा को नहीं जाना, आत्मा का रस नहीं आया। वो आत्मा का रस आ गया तो नमक क्या, सब रस छोड़ दो, सब नीरस हो जाते हैं। सुई कितने की, कितने की, लेकिन घर में सुई कितने काम की है? ये मत छोटो, छोटे बड़े की बातें मत सोचो। छोटे बड़े की भावना ही मन का आधार है। अरे जिन में बड़े आदमी रह रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी महल छोटे लोगों ने बनाए हैं। बनाया किसने? छोटे लोगों ने बनाया, जिसमें आप रह रहे थे, बनाया किसने? तो आपको बड़ा आदमी बनाया किसने, ये बता, इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने परिणाम से बने, वो अलग थ्योरी है, लेकिन ये बताओ, बड़े हो गए तो छोटों का अनादर करने के लिए नहीं हो गए? हम बड़े हैं, अपने गुणों से बड़े हैं, लेकिन दूसरों का अनादर करने के लिए नहीं। ऐसा विवेक सदैव रखना, ये विवेक हमारी पात्रता है, भेद ज्ञान हमारा मूल है, स्वानुभव हमारा धर्म है, साम्य भाव साक्षात धर्म है, साक्षात मुक्ति का मार्ग। चाहे मार जब धर्म का हो, चाहे क्षमा धर्म का हो, चाहे आर जब धर्म का हो, इसी साम्य भाव में किसी के प्रति मान नहीं होता, उसका नाम मार्जव हो गया। धर्मों को अलग अलग बंटवारा नहीं करना, दिनों में बंटवारा मत करना, आत्महितकारी जान करके प्रकट करने की भावना मान विचारना। ओम नमः। नंदी शोध स्वरूप की अविनाशी में आ।